सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जीदा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। ध्यान ॐ बलरविद्युतिमिन्दुकरीटा तुङ्गकुटा नयनात्रययुक्ता समेर्मुखीं वरदाङ्कुशपाशा भीतिकरा प्रभजे भुवनेशी। ॐ ऋषिर्वाच दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्र सेन्द्रासुरावन्निपुरोगमस्थ कात्यायनी तुष्टुभुरिष्टलाभा विकाशिवक्त्राज्य विकाशिताशा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवि चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया त्वेतत् आप्यायते कृष्णमलङ्गवीर्य त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्दवीर्य विश्वस्य बीजं भरवासि माया सम्माहितं देवि समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्तस्तव देवि वेदः श्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयेकया पूरितमाङ्गयेतत् का ते सुधीतव्यपरा परोक्ति सर्वभूता जदा देवि स्वर्गमुक्ते प्रदायणे त्वं सुदा सुदयेका वा भवन्तो परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गते देवि नारायणि नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनि विश्वस्योपरतो शक्ते नारायणि नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनि गुणाशये गुणमये नारायणि नमस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवि नारायणि नमस्तुते हंसयुक्तभिमानस्य ब्रह्मानिरूपधारिणि कौशाम्बाजरिके देवि नारायणि नमस्तुते त्रिशूलचन्द्रायिधरे महावृषभवाहिनि
माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते। मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नगे कौमारीरूपसन्ताने नारायणी नमस्तुते। शङ्खचक्र गदाचार गृहीत परमाजुते रसीद वैष्णवीरूपे नारायणी नमस्तुते। गृहीतोग्र महाचक्रे दृष्टोद्धृतवसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमस्तुते। नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमस्तुते। किरीटणी महावज्र सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणी नमस्तुते। शिवदूतीस्वरूपेण हत दैत्या महाबले गौररूपे महारावे नारायणी नमस्तुते। दृष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमस्तुते। मेदे सरस्वतीवरे भूति वा प्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीतभद्रकाली नमस्तुते। हिनास्ति दैत्यतेजांसि स्वर्णेनापूर्यया जगत् सा गण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुदानिव असुरादृग्वसापङ्गचर्चितस्ते करोज्ज्वलः। शुवाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता भयम् रोगानशेषानपहंसि दुष्टा हृष्टादुकामान सकलानविष्टान् त्वमाश्रितानाम्नविवर्णराणाम् त्वमाश्रिताया शयतां प्रयान्ति एतत्कृतं जत्करणं त्वयाद्य धर्माभिषां देवि महासुराणाम् रूपे कृत्वाम्बिकेतत्प्रकरादिगान्य विद्यासुशास्त्रेषु विवेकदीपे स्वादेषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वकरेति महान्धकारे बिभ्रामय चेतदीम विश्वम् रक्षांसि यत्र ग्रविशाश्च नाग यत्रारयो दस्युमराणि यत्र दावानलोजत्र ददाब्धि मध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकादारयसि विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवतीव वन्दे विश्वाश्रया ये त्वयि वक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोरवीते नित्यं यथा सुर्वदा तदुनैव सत्यम् पापानि सर्वजगतां प्रशमनयाशु उर्वारवाकजनितांश मोपसर्गान् प्रणदानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्थिहारिणि
त्रैलोक्यवादिनामेडलोकानां वरदा भव देव्यो वाच वरदाहं दुर्गणा परं जनमनजे जद तं गणद्वं यच्छामि जगदामुपकारकं देवा ऊचु सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यचाखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् देव्यो वाच वेगस्वयान्तरे प्राप्य अष्टाविंशति मे युगे शुम्भो निशुम्भ चैवान्य उत्पत्स्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भव ततस्तौ नाशयिच्छामि विन्ध्याचलनिवासने पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीयामि विप्रचित्तान् सुदानवान् वक्षयन्त्या च दानोग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्तापविशन्ति दानमेकसमोपमः तदा मां देवता स्वर्गे मृत्यलोके च मानवान् सुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयाच चतुर्भाषिक्या मनाभृष्टमनं प्रति मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि जोनिजम् तदा च तेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजः चताक्षीमिति मां ततः तरोऽहम् अखिलं लोकम् आतमेह समुद्भवे हरिष्यामि सुराजाग्रे आविष्टे प्राणदारके काकम्बरेत् विख्यातं तदा यास्यामहं भवे तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यमहासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि वक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारण तदा मा मुनया सर्वे सौजन्यानां प्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं धर्मे नाम भविष्यति जदारुणाख्यात्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं रामरं रूपं कृत्वा सङ्गे जगत्पदम् त्रैलोकस्य हितासाय भविष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मम लोकः सदा सोष्यन्ति सर्वदा इत्थं यदा यदा वादा दानभूता भविष्यति तदा तदावधीयाहं करिष्याम्यर्थञ्च ॐ। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की संध्याकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्यारती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युत्तामसमप्रभा मृगवदे स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विकरवालकेटविलस हस्ता विरासेवितां हस्ते चक्रगदाधिकेटविशिकाश शापं गुणं दर्जने विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्यो वाच देवीस्तमेशमां नित्यं शोचते यः समाहितः तस्याहं सकलां वादां नाशयिष्यामि संशयम्
मधु केतव आचंद महिषासुरगर्दन कीर्ते चंद एतद्वद् बलं जुम्बन जुम्बयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकचेतसा श्रोषन्ति चैव ये भक्त्या मम महत्त्वमुत्तमम् नातेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोऽर्था न चापदः करिष्यति न दारिद्र्यं न चेष्टविजोजनम् शत्रुतो न वयं तस्य तस्य लोभानराजतः न चत्राणतो योग कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्मेतन्माहत्यमडेतव्यं समाहिते श्रोतव्यं च तदा भक्त्या परं स्वस्तायणमेतत् उपसर्गान् चेशान्तो महामारे समुद्भवान् कदा त्रिविदमुत्पादम् आहत्यं शमये मम यत्र तद्वर्तते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा नादद्विमोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वमनेतच्चरितम् उच्चार्यं चाभिमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिच्छाम्यहं प्रीत्या पन्निहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते जाच वार्षिके कस्याममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिः समन्विता सर्वाबाधानिर्मुक्तो धनधान्या सुधान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्त्या शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रेमवः सञ्चयं जान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसमाहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तदा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु जोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गः शमं जान्ति ग्रहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निर्दृष्टं स्वस्वप्नमुपजायते बालग्रहविभूतानां बालानां चान्धिकारकं सङ्घातवेदे तनिरामैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां चेजानां बलहानिकरं वरं रक्षाभूतपिशाचानां बलनादेवनाशनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाद्यधूपे च गन्धदीपे सततमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षणीयरहर्निजम् अन्ये च विविधे भोगे प्रदानेर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते तास्मिन् सकृसुचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तदा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्म दुष्टदैत्यनिवारणं तस्मिन् युद्धे वैलिखितं भयं हिंसां न जायते युष्माभितुर्यो जाचरुन्मृकृता ब्रह्मणा च गिरातासु प्रयच्छन्ति शुभामदिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि धावनि परिवारितः दस्युभिर्वाविलाशून गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन राज्ञब्दो भद्रो बन्धगतोऽपि वा आगुर्णीतो वा पातेन स्थिता भूते महान्नवे परदुर्गापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदना व्यार्जितोऽपि वा स्मरणमेतचरितं नरमुज्जेत सङ्गणात् मम प्रभावा सिंहाद्या दस्य भोपरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते समरश्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत देवि देवानिरातङ्कः स्वाधिकाराञ्जदा पुरा यज्ञभागपुरा सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्यादेव्या निहते शुम्भे देवरिपोजुधि
जगत विध्वंसमे महाक्रमे निशुंभे च महावीर्येतालु एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः शम्भूया कुरु देवोप जगतः परिपालनम् तये तन्मोयते विश्वं देव विश्वं प्रसूयते सा जाचिता च विज्ञानं तुष्टा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्पया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदागृहे सेवाभावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा शम्भोजिरा पुष्पे धूपगङ्गादिविस्तदा जटादिवित्रं पुत्रं च मतिं धर्मे गतिं शिवा अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रं शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कल्लिका स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्र प्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत् नागवचं नागदा स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् नापुरुकं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वार्चनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अपि गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वती मारणं मोहनं वर्जं सम्बनो जाटनाधिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै पिच्छे ॐ ग्लौं हौं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै पिच्छे ज्वलहं सं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दने नमः केशवहारिणे नमस्ते महिषार्दने नमस्ते जुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातने जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धिं कुरुष्वे ऐङ्कारि सृष्टिरूपाय ऋङ्कारि प्रतिपालिका ऋङ्कारि कामरूपिण्य बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाते च धिकारि वरदायने विद्ये चावयरा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि भां भीं धूं दुर्जरे पदने भां भीं भूं भागधीश्वरि ह्रां क्रीं क्रूं कालिका देवि शां श्रीं शुं मे शुभं कुरु हूंकाररूपिण्ये जं 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 भरादने भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्गं चं टं तं पं यं शं बिन्दुं ऐं विं हं शं द्विजाग्रं द्विजाग्रं रोदय रोदय दीप्तं गुरु गुरु स्वाहा आं बीं भुं पार्वतीपूर्णा खां गीं गुं गजरे ददा सां श्रीं सुं सप्तचतुर्भ्यः मन्त्रसिद्धिं गुरुष्वे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां सत्पृशतिं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं जदा श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं
मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुर्धाराष्टक नमस्ते शरण्य शिवेशानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगदन्द्रपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारणीताय दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारणीताय दुर्गे अनाथ दीनस्य तृष्णातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तो त्वमेकगतिर्विनिस्तारकर्त्रि नमस्ते जगत्तारणीत्राय दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्य जले सङ्कटे राजगे प्रभाते स्वमेका गतिर्विनिस्तारयतु नमस्ते जगत्तारणीत्राय दुर्गे अपारे महादोस्तरेत्यन्तघोरे विपत्सागरे भजतां देहवाजा त्वमेका गतिर्विनिस्तारलोका नमस्ते जगत्तारणीत्राय दुर्गे नमश्चण्डिकचण्डदुर्दण्डलीला समत्कण्डिताकण्डलाजेशत्रो त्वमेका गतिर्विघ्नदण्डोऽस्ति नमस्ते जगत्तारणीत्राय दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी ज्ञानेकाखिलाक्रोधनाक्रोधनिष्ठा इडाबिङ्गला त्वं सुजुमणाश्च नाडी नमस्ते जगत्तारणीत्राय दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे विमनादे सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे विभूते सदा कालरात्रि स्वरूपे नमस्ते जगत्तारणीताय दुर्गे शरणमसि सुराणां क्षेत्रविद्याधराणां मुनिधनुजभराणां व्याधिपीडितानां निपते गृहगतानां दशविश्रान्तितानां स्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद श्रीभगवती स्तोत्रम् जय भगवती देवि नमो भगवते जय पाप विनाशने भवतले जय चुम्बन चुम्बक पाल तरे प्रणमामि तु देवि नराति हरि जय चन्द्र दिवाकर Yeah.
Bye.
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन परम स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओंकारं बिंदुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सच्चिया ज्योतां वाली तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। इस जगत में जभी भी केवल हम ही भक्त उपाय नहीं, सब देवताओं पर, राजा महाराजाओं पर अथवा अवतारों पर भी जब कोई संकट का आन पड़ा है और उस समय जब किसी विशेष देवता ने उनकी सहायता नहीं की है तो अंत में उन्होंने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। तब माता जी ने उनकी स्तुति द्वारा प्रसन्न होकर के तत्काल दर्शन देकर के उनके सभी प्रकार के कष्टों को सदा के लिए दूर कर दिया है, मनोकामना को पूर्ण कर दिया है। प्राचीन काल में देवताओं तथा असुरों में घोर संग्राम हुआ था जो 100 वर्ष तक चला था। इसमें देवताओं की सेना के नायक स्वयं इंद्र भगवान थे और दैत्यों की सेना का नायक महिषासुर था। इसमें देवताओं की पराजय हुई और दैत्यों का स्वर्ग पर शासन हो गया।
तब सभी देवगण ब्रह्मा जी को साथ लेकर के शंकर तथा भगवान विष्णु के पास गए और सारा वृत्तांत उनको बताया कि किस प्रकार महिषासुर स्वर्ग का अधिष्ठाता बन गया है। उसने सभी यम कुबेर अग्नि के जो यज्ञ अधिकार हैं वो छीन दिए हैं और जो देवगण हैं वो पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं, इसलिए महाराज उसके वध का कोई उपाय करो। ऐसा सुन करके सभी देवताओं ने बड़ा क्रोध किया, उनकी बिगुड़ियाँ तन गई, नेत्र लाल हो गए और उनके मुख से तेज पुंज निकला जिसने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। तब सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से उन्हें सुसज्जित किया। उन देवी को स्वयं भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल से एक शूल निकाल करके उन देवी को भेंट किया। भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से दूसरा चक्र निकाल करके उनको भेंट किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और हिमालय पर ने उनको सवारी के लिए सिंह दिया। उन देवी का मुख शंकर जी के तेज से प्रकट हुआ था, इसी प्रकार उनके जो वायु थे भगवान विष्णु के तेज से प्रकट हुए थे और ब्रह्मा की तेज से जो चरण प्रकट हुए थे। उन सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के देवी ने अट्टहास किया जिससे सभी दिशाएं प्रकंपित हो उठी, समुद्र कांपने लगे। और ऐसा नाद सुन करके महिषासुर अपनी सेना को सुसज्जित करके वहां पर आया और कहने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने देखा कि देवी अपने तेज से सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी, उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी और उनके मुकुट से आकाश में रेखा से खिंची जा रही थी। उन्होंने अपने धनुष की टंकार से जो सारी दिशाएं जो प्रकंपित हो उठी थी। ऐसा देख करके उसने अपनी सेना को सुसज्जित किया और उनमें जो महारथी जिनमें महाहनु चिक्षुर असिलोमा बिड़याल इत्यादि जो पांच पांच अरब रथियों की सेना लेकर के माता जी के साथ युद्ध करने आए, परंतु माता जी ने अपने धनुष बाण से गदा से मुष्टिक प्रहार से सिंह ने जो उसकी सेना का इस प्रकार सफाया कर दिया, वध कर दिया जिस प्रकार एक बड़े भारी काठ तथा जो तृण के ढेर को अग्नि पल भर में जला करके भस्म कर देती है। वहां पर हाथियों के शवों से घोड़ों के शवों से शत्रुओं के शवों से पृथ्वी इस प्रकार पट गई कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया। उनके रक्त से बड़ी बड़ी खून की नदियां बहने लगी। ऐसा तहस नहस होता देख करके स्वयं महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ करके माता की सेना में फेंकने लगा। उसने कभी सिंह का रूप धारण किया है, कभी भैंसे का रूप धारण किया है, कभी मनुष्य का रूप धारण किया और कभी हाथी का रूप धारण किया है। और जब मनुष्य का रूप धारण करके माता के साथ लड़ रहा था तो माता जी ने एक बड़ी भारी जो तलवार से उसका शीश काट दिया, जिसको देख करके देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने आकाश से पुष्पों की वृष्टि की और देवताओं को फल स्वरूप पुनः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कहने का तात्पर्य केवल यही था कि जभी हम भक्तों पर कोई संकट का लान पड़ा है उस समय अंत में हमने इन्हीं अनंत कोटि ब्रह्मांड की शक्ति दुर्गा माता जी की अनन्य शरण ग्रहण की है। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुनि के धाम में माता महाकाली महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होती ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही है। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक है, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती हुई परिक्रमा करती जा रही है, जिसमें आप स्नान करते हैं चरणामृत ग्रहण करते हैं। पूर्व काल में भक्त यानी इसी प्राकृतिक मार्ग से जाकर के पूर्ण पिंडी महारानी के दर्शन करके जैसे जल परिक्रमा कर रहा है ऐसे ही परिक्रमा करके इसी मार्ग के द्वारा बाहर आ जाया करते थे, परंतु कालांतर में भक्तों की बढ़ती संख्या को देख करके अन्य मार्ग बनाए गए और माता जी ने अपने जो पूर्ण शरीर को सोने तथा चांदी के पत्र से ढक लिया, अर्थात कली काल में केवल शेष रूप में ही दर्शन देना स्वीकार किया। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरद हस्त भक्तों को प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव विराजमान रहते हैं और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति विराजमान रहती है, परंतु शिव भी इन शक्ति बिना अधूरे हैं क्योंकि शिव में जो एकार है यही शक्ति स्वरूपा कुंडलनी है। यदि हम इस एकार को निकाल देते हैं तो शिव भी स्वयं छवर आ जाते हैं, अर्थात केवल हम ही भक्ति नहीं देवता भी इन शक्ति बिना अधूरे हैं
और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं, केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः, इसके जाप से विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीम के चरण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृहस्थी देश विदेश में स्मृति मान प्राप्त होता है। और क्लीम के चरण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रुता रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता चरण में बैठे हुए हम सभी भक्ति आंटी निवार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे बिच्छे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिच्छे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे बिच्छे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिच्छे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा जे बिच्छे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये बिच्छे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रतिष्ठान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको सदा प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो अपने मन में सुन जो माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय करा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की बेला है, सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से अपनी महत्व बहन प्रस्तुत करें। श्री मनिंद्र जय करा शिरोमणि का ढोल सच्चे दरबार की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो
सब काम हो रहा है।
जय करा मेरी शेरावली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जग जननी मेरी मां करो मेहरा दीछा जग जननी नहीं बा
तू आ जा
कांची रननुपुरा दुर्गा दुर्गति हारणी भवतु नो रत्नोल सत्कुंडला सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेर वाली दीदा भोल सच्चे दरबार की जय। आज की परम पावन संध्या कालीन आरती वेला में दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। ओम पुनस्तादित्या रुद्रा वसवा समिंधतान पुनर्ब्रह्मानु वसुनीथ जन्ने वितेन तन्नम वर्धयस सत्याः संतु जजमानच कामः मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव कीर्वर्चस आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है। आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठा भी आरती है, सभी बोलिए। ओम जय अम्बे मैया जय श्यामा मारे तो
करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती और सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता जी। दल में बोलो जय माता जी। जय बेला जय माता जी। संध्या बेला जय माता जी। आरती बेला जय माता जी। आप जय माता जी। दर्शन बताने जय माता जी। तेरा करना जय माता जी। अभी सभी भक्तियाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम। देहि मे परमं सुखम। देहि मे परमं सुखम। रूपं देहि जयं देहि। रूपं देहि जयं देहि। यशो देहि दिशो जहि। यशो देहि दिशो जहि। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। ॐ शान्तिः। शान्तिः। ॐ शान्तिः। परम पूजनीय श्री प्रिया जी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। कल्याणी कल्याण
आता है ना, जो आपने सब कुछ दिया माता रानी जी की झोली में बैठ के,
गोदी में बैठ के ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता। हम तो रोज प्रार्थना करते हैं माता रानी आपके जीवन में माता रानी ऐसे मौके बार बार लाए, ये आनंद आपके जीवन में बार बार आए। आप ऐसे कर्म कीजिए कि एक माँ हो एक आप हो माता रानी जी की गोदी में आप खेलिए, लेकिन आप सबको अगर आनंद आया तो वो अंदर से चलकता है, पूरे ऐसे पूरी आवाज गूंजनी चाहिए आपकी, उससे पता चलता है कि आपको आरती का आनंद आया। सभी मिल के बोलिए ना पूरे जोर से, बोलो सच्चे दरबार।